online class. Myself Anish Samad. Today I am going to start chapter 5 using the mouse. बच्चों आज हम माउस के बारे में पढ़ेंगे. माउस आपने देखा है, आपने मैक्सिमम बच्चों ने माउस देखा होगा और जिनके घर नहीं है वो बुक में देखिए या किसी ना किसी शॉप पे आपने देखा जरूर होगा. एक छोटा सा डिवाइस होता है कंप्यूटर के साथ जिसमें नीचे रेड कलर का लाइट चलता रहता है, तो आप उसे देखे जरूर होंगे और नहीं देखे होंगे तो अपने पापा से या मम्मी से बोलिएगा कि वो जरूर दिखा देंगे. अगर आप कभी मार्केट जाते हैं और कहीं दिखता है तो इनके फादर या मदर जो भी हैं वो अपने बच्चों को एक बार माउस जरूर दिखाएंगे. और अगर स्कूल ओपन हुआ बच्चे आएंगे तो हम तो माउस दिखाएंगे आपको. तो आज हम माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस क्या होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से बटन होते हैं. तो आइए चलते हैं. फर्स्ट ट्रेनिंग है वर्किंग विद द माउस. यू यूज योर हैंड टू पॉइंट एट थिंग्स. आप अपने हैंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पॉइंट करने के लिए. जब आपसे मम्मी या पापा के साथ किसी शॉप पे जाते होंगे और मम्मी या पापा आपसे पूछते हैं कि बच्चे आपको क्या चाहिए, तो आप पॉइंट करते हैं ना, पापा हमको ये चाहिए, खाने वाली चीज चाहिए या ये टॉय चाहिए, तो आप पॉइंट करके दिखाते हैं. तो वैसे ही अगर हमें वही काम मॉनिटर पे करना है, अपने कंप्यूटर पे करना है, तो कैसे करेंगे, वो काम माउस का इस्तेमाल करता है. हम माउस से उसे पॉइंट करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए. ठीक, तो यू यूज योर हैंड टू पॉइंट एट द थिंग. ऐसे ही मॉनिटर का नहीं, माउस इज यूज टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. आपको मॉनिटर स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे ही आप पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट है कि माउस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से बटन होते हैं. तो आपने माउस होता है इसमें देखा होगा कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक ये बटन होता है और एक ये बटन. आपके साइड से राइट बटन हो जाएगा और ये लेफ्ट बटन हो जाएगा. ठीक, और इस बीच में आपने देखा होगा एक ऑल राउंड सा इस बटन होता है, व्हील होता है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं, इसको तो उसको हम स्क्रॉल बटन स्क्रॉल व्हील कहते हैं, स्क्रॉल बटन कहते हैं, स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू मेक माउस वर्क. हाउ टू मेक माउस वर्क. फर्स्ट है टू मेक द माउस वर्क वी क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन. तो बच्चों माउस कैसे काम करता है, माउस में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट बटन और राइट बटन होते हैं. तो हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट बटन को क्लिक करके हम वर्क करते हैं. लेफ्ट बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, राइट बटन क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे. तो लेफ्ट बटन और राइट बटन को क्लिक करते हैं तब वो वर्क करता है. नेक्स्ट वी कैन ड्रैग इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. बच्चों माउस का इस्तेमाल हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह रखने में भी इस्तेमाल करते हैं, ये काम माउस का ही है. अगर हम कोई फाइल जो है उसका जगह जो है प्लेस हमें चेंज करना होता है तो हमें क्या करना है, माउस से हम उसे क्लिक करके ड्रैग करके एंड ड्रॉप करते हैं, दूसरी जगह रखते हैं. नेक्स्ट है द माउस वायर कनेक्ट द माउस टू सीपीयू. द माउस वायर कनेक्ट द माउस द सीपीयू. माउस का जो वायर होता है वह सीपीयू से कनेक्ट होता है. अगर सीपीयू से कनेक्ट नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसे कमांड किसे देना होता है, सीपीयू पे ही जाएगा. जो भी आप कीबोर्ड जो भी इनपुट आप करेंगे वो किस पे जाएगा, सीपीयू पे जाएगा. फॉर देयर आर ऑल्सो वायर माउस अवेलेबल, देयर आर ऑल्सो वायरलेस माउस अवेलेबल. बच्चों एक माउस जो होता है वह उसके साथ वायर होता है जो सीपीयू तक जाता है. और अब तो मार्केट में आ गए हैं कि आपको बिना वायर का ही आप क्या करेंगे, बिना वायर का ही आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लूटूथ से उसके द्वारा. जैसे आपने देखा होगा कि आप फोन जब हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो एक आता है हेडफोन जिसे आप मोबाइल में लगाते हैं और वो आता है कान तक वायर लटका रहता है ना, तो अब आपने अब देखे होंगे अब जो ब्लूटूथ आ रहे हैं वो कान में लग जाते हैं, उसमें वायर
नहीं लगे होते हैं। तो क्या होता है, दोनों के अंतर क्या होता है, दोनों काम सेम करता है लेकिन क्या होता है, एक जो है आपको दिक्कत नहीं होता, जैसे वायर लगा होता है तो उसे टूटने का डर रहता है, और लेकिन जिसमें वायर नहीं रहता है उसे आपको टूटने का डर नहीं रहता है, वह कंफर्टेबल होता है, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बस, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं।